हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। पास्ता सभी को अच्छा लगता है। तो गाइस, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले। तो गाइस, पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 2 कप पास्ता। इसे हम बॉइल कर लेंगे और गाइस, बॉइल करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हमें लेना है तेल, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, और इन सब को अच्छे से मिक्स करके हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पास्ता है वो काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गाइज, अब हमें लेना है पैन। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच हरी मिर्च, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे हमें सॉटे कर लेना है। गाइस, प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप गाजर, इसे भी हम सॉटे कर लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शिमला मिर्च, और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए हमें सॉटे कर लेना है। ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है, फ्लेम हाई रखना है, और हाई फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना, और फिर इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सब्जी है वो अच्छे से फ्राई हो गया। तो यहाँ पे सब्जी निकालने के बाद मैंने सेम पैन में 1 चम्मच लिया है तेल, और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच मैदा, और इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैदा है काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क हम यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 लीटर। हमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क को ऐड करना, और फिर से मिक्सर की मदद से हमें मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्ब्स ना रहे। तो गाइज, हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑर्गेनो। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गाइज, व्हाइट सॉस पास्ता बनाना काफ़ी आसान है। और गाइज, यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गाइज, व्हाइट सॉस पास्ता बनाना काफ़ी आसान है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है, और बच्चे तो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और गाइज, अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल मैक्रोनी जो हमने बॉइल करके रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसे 102 मिनट हम अच्छे से कुक करेंगे। गाइज, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो गाइज प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो गाइस, यहाँ पे जो पास्ता है हमारा अच्छे से कुक हो गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, यहाँ पे नमक मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पास्ता रेडी हो गया है। बट अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच चीज़। चीज़ को हमें अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करके इसे 1 से 2 मिनट तक हमें मिलाते हुए कुक करना है। यहाँ पे हमारा चीज़ी व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। तो गाइस, अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।